दज्जाल जब आएगा तो उससे कबल 3 साल बड़े सख्त होंगे, शदीद होंगे। 1 साल ऐसा होगा कि आसमान की आधी बारिश रुक जाएगी और जमीन की आधी पैदावार भी रुक जाएगी, ये अनाज आधा रह जाएगा। अगला साल आसमान की 2/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की 2/3 पैदावार भी रुक जाएगी, माना 1/3 पैदावार बाकी रहेगी जिस पर पूरी दुनिया की मईशत का इन्हिसार होगा। और तीसरा साल आसमान से 1 कतरा बारिश का नहीं बरसेगा और जमीन से 1 दाना पैदा नहीं होगा। तय साले का दौरे दौरा है, पूरा साल 1 कतरा बारिश नहीं बरसेगी, 1 दाना नहीं उगेगा। अब वो फितना नमूदार हो रहा दज्जाल का। अगर आप पाकिस्तान जाएं तो वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो नंग धड़ंग मुलंगों को मुश्किल कुशा मानते, ना उनको कपड़े का होश, ना सफाई का, मैल कुचैल, कुत्तों का चारों तरफ राज है, बिल्लियों का और चूहों का और गंदगी गलाजत के ढेर हैं, वो मुश्किल कुशा है हमारे। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं मुश्किल कुशा। इस कुमाश के लोग अगर दज्जाल को देखेंगे, इशारा करके बारिशें बरसा रहे, इशारा करके अनाज उगा रहे, जन्नत और जहन्नम उसके साथ साथ है, कौन उसका इनकार करेगा? ये फितने का आगाज है। फितने की यलगार एक मजबूत तरीके से इशारा कर रहा, बारिश बरस रही, इशारा कर रहा जमीन से पैदावार हो रही, तो कौन लोग उसको छोड़ेंगे जो नंगे मलंगों को मुश्किल कुशा मानते? वो दज्जाल का इनकार कर सकेंगे? बड़ा खतरनाक फितना है। जो उसको मानेगा वो जहन्नमी, जो उसका इनकार करेगा वो जन्नती।